स्कूल में नहीं पढ़ा था, इसको 3 महीना भेजा ना तो नहीं पढ़ाए। आईएएस ऑफिसर का गाड़ी बनाया तुमने। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्चुअली ये वीडियो कल का है, कल संडे था, तो हम गए थे एक एनजीओ में जो कि कांदिवली वेस्ट में है, मुंबई में पड़ता है। तो हम दोनों सिस्टर्स काफ़ी टाइम से, मतलब कॉलेज आते जाते टाइम देखते हैं ना, लाइक ऐसे भी बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि स्ट्रीट जो रोड होता है ना, रोड साइड पे बच्चे ऐसे मतलब रहते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होता है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, वो पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनके मन के ऊपर होता है। इवन उनकी मम्मी पापा जो होते हैं वो लोग भी मांग रहे होते हैं, इधर उधर जैसे तैसे अपना निकालते हैं घर का। तो ये बच्चे भी मतलब बच्चों को भी लगा देते हैं, और अगर नहीं लगा पाते हैं अपने जैसे वर्क के लिए तो ये लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, बच्चे इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो इनके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं होता है। तो हम लोग ना इनके बारे में काफ़ी टाइम से ऐसे सोच रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, और तो फाइनली हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया किसी तरह से, ये स्पार्कलिंग विंग्स एनजीओ है। कल हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ चलो फाइनली हमें कुछ तो ऐसा मिला जहाँ से हम इन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही गए थे बस कल देखने के लिए क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे हमें इतने सारे बच्चे मिले, और जिनमें कुछ बच्चे अच्छे मतलब वेल मेंटेन ठीक ठाक थे ऐसे, और कुछ बच्चे ऐसे थे कि जैसे कि उनके मम्मी पापा मतलब पीछे से कोई देखने वाला नहीं है उनको, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्कूल जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, कुछ तो जाते ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं जाते हैं। उनमें से एक बच्ची हमें सपना भी मिली थी, मैंने उसका वीडियो एक शॉर्ट में डाला है, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। तो ये बच्चे करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इनके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, जिस वजह से ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो यही सारी चीज़ें देखते हुए, वैसे ही इस एनजीओ का मेन मोटिव यही है, स्ट्रेट बच्चे जो हैं स्ट्रेट चिल्ड्रंस उनके एजुकेशन के ऊपर काम करना, तो हमें भी कुछ ऐसा ही चाहिए था। तो फाइनली हमें मिल गया जिसके थ्रू हम लोग इनके लिए कुछ कर सकते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो बच्चों के सपने तो बहुत बड़े हैं पर इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, फाइनली यही है। और हमने इस एनजीओ के फाउंडर सर से बात किया ना, तो उन्होंने बताया कि स्कूल के लिए इनके, तो उन्होंने बोला कि मैं बात तो किया था स्कूल के लिए इनको कि पढ़ाने के लिए भेजेंगे, इवन प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, सब कुछ सर ने बात कर लिया था, बट कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनकी फैमिली ही एग्री नहीं कर रही है, मतलब रेडी नहीं हो रहा है इनको भेजने के लिए स्कूल। तो अगर हम हेल्प करना भी चाहें वही रेडी ना हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं, पर फिर भी जितना कोशिश रहेगा उतना करेंगे। तो आप भी अगर जुड़ना चाहे इस एनजीओ से तो जुड़ सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं, और नहीं भी जुड़े ना तो आप लोग ऐसे भी ऐसे बच्चों को देखें तो प्लीज़ उनकी हेल्प करिए, जिस भी तरह से आपसे पॉसिबल हो, जिस तरह का भी आप सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ इन बच्चों को उस तरह से सपोर्ट कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। और यहाँ पे एक बच्ची थी सपना, उसके वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, उससे पता चला कि उसको स्टडी करना अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, वो बस घूमती रहती है। पर मैंने पूछा तो बोलती है कि मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ, तो उसकी मम्मी से हमने बात किया, मैं बोली स्कूल जाना चाहती हूँ, तो बोलती है कि हाँ स्कूल जाना तो चाहती हूँ पर मुझे बोरिंग सा लगता है। तो फिर हमने उसके मम्मी से बात किया तो आंटी ने बताया कि भेजे थे गवर्नमेंट स्कूल में, वो लोग पढ़ाते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, बस बच्चों के ऊपर ध्यान देने वाला कोई नहीं होता है। तो हमने आंटी से भी कुछ बातें करी थी, आगे वीडियो में है, आप उसको देखिएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनको स्कूल में डाल सकें, मतलब गवर्नमेंट स्कूल है, मुंबई का एजुकेशन सिस्टम जो BMC वाला है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक अच्छा है, बस उसमें बच्चे पढ़ने वाले होने चाहिए और बच्चों को ध्यान देने वाले पेरेंट्स भी होने चाहिए। तो अगर हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि इनका एडमिशन वहाँ पर करा दें। तो अगर आप भी हेल्प करना चाहे तो प्लीज़ हेल्प करिए, और करना ही चाहिए, जिन लोग जितने लोग भी हैं ना वैसे मतलब कुछ कर सकते हैं इन बच्चों के लिए, हर एक एरिया में ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा भी आप करेंगे ना तो ये बच्चे भी ऐसे नहीं रहेंगे, इनके भी सपने पूरे होंगे, और मिलके करना चाहें तो सबसे होगा। देखिए इन सारे बच्चों के ड्राइंग पेपर पे एक चीज़ कॉमन था, सबने तिरंगा बनाया हुआ था, क्यों? क्योंकि देश के लिए इनके दिल में प्यार है,
और इसका मतलब इन्हें पता हो या ना हो बट सबके ड्राइंग पेपर पे ऑलमोस्ट तिरंगा था। तो बस संडे कुछ इस तरह से निकला इन बच्चों के साथ हंसते गाते, और फाइनली ये क्यूट सी बच्ची ये लेट आई तो इसका ड्राइंग नहीं बन पाया। तो यही था, जो भी हो सका हमने किया और करेंगे, आगे भी करेंगे और जुड़े तो करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। आप भी कीजिए जहाँ भी हेल्प, जैसे भी जिस भी तरह से कर सकते हैं प्लीज की। भेजने का पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल होता है ना उसमें पढ़ाते हैं। स्कूल में नहीं पढ़ाता, इसको 3 महीना भेजा ना तो नहीं पढ़ा। अरे ऐसे नहीं होता, बराबर नहीं पढ़ाते, शास्त्री खेलने को ही देता है। अरे तो जाएंगे जाने की आदत लगेगी, पढ़ेंगे बैठेंगे फिर उनको टीचर्स को बोलेंगे ना कि पढ़ाते नहीं है करके, तो लोग पढ़ाएंगे ही। अभी लोग जाएंगे ही नहीं तो मतलब नहीं है ना। अरे इसको 3 महीना भेजा, जाओगी वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, ड्राइंग भी उसका अच्छा है, हमने करके ऐसे बोलती है लगा दे स्कूल में। हाँ बोलती है वो कि मतलब पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन जब हमने पढ़ाया ना तो पढ़ रही है बहुत अच्छे से, और एक दो बार में ही उसको आ जा रहा है। बोल रही कि और पढ़ूंगी, और पढ़ूंगी बोल रही है, तो जाएगी तब तो पढ़ेगी, उसको सब आता है। चलो हम लोग उसका स्कूल में बात करते हैं, अगर हो जाएगा तो करा। लिस्ट में है ना वो ममता स्टेशन के बाजू में, आपको पता है स्कूल, एक सरकारी स्कूल नहीं पता है। चलो हम लोग उधर बात करते हैं, होता है तो ले जाके कराएंगे, थोड़ा आने जाने का रहेगा तो इसमें जाना पड़ेगा ना उस साइड। इधर भी देखते हैं, अगर रहेगा तो नज़दीक देख के कराते हैं फिर, क्योंकि उसको भेजो बहुत कुछ आ रहा है वो, और बड़ी भी हो गई है, उसको आ भी रहा है, उसको बस ना कोई ऐसा चाहिए देखने वाला कि पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, क्योंकि उसको कराया ना तो बहुत अच्छे से कर रही है, उसका ड्राइंग भी अच्छा कर रही है, पढ़ भी अच्छा रही है, पढ़ लेगी तो कुछ अच्छा करेगी। आप ये मत सोचो कि नहीं पढ़ाते हैं तो नहीं भेजूं, आप भेजो, उन लोग पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे।